चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी गोवा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर भविष्यवाणी करके सियासी गलियारे की सरगर्मी को एक बार फिर तेज कर दिया है। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने गोवा की यात्रा के दौरान कहा कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दशकों तक दबदबा बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कई दशकों तक लड़ना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी मोदी को सत्ता से हटाने के भ्रम में ना रहें। चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का कद उस वक्त और बढ़ गया जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को इस साल की शुरुआत में उन्होंने राज्य की सत्ता में बने रहने में मदद की थी। प्रशांत किशोर अभी गोवा में हैं और टीएमसी को वहां पैर जमाने में मदद कर रहे हैं। आने वाले दशकों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति की भविष्यवाणी करते हुए किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। किशोर ने कहा कि वो राहुल गांधी इस भ्रम में थे कि ये नरेंद्र मोदी की सत्ता खत्म होने तक सिर्फ समय की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों में राजनीति के केंद्र में रहने वाली है, चाहे वे जीते या वो हारे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कांग्रेस के लिए शुरुआती 40 वर्षों में था। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप 30% वोट सुरक्षित कर लेते हैं तो आप जल्दी कहीं नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस झांसे में पड़ने की जरूरत नहीं कि लोग नाराज हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही, आपको अगले दशकों तक इनसे लड़ना होगा। किशोर ने कहा कि समस्या राहुल गांधी के साथ है, शायद उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग उन्हें नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर कर देंगे। किशोर ने कहा ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप अपनी ताकत की जांच और परख नहीं कर लेते, आप उन्हें हराने के लिए काउंटर नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के साथ समस्या इस बात की है कि वो नरेंद्र मोदी की ताकत को समझने के लिए समय नहीं दे रहे। ऐसा क्या है जो उन्हें लोकप्रिय बना रहा है? अगर आप इस बात को जानते हैं तो आप उसे काउंटर कर सकते हैं। समस्या यह है कि 2/3 वोट का पक्ष इतना खंडित है कि यह 10-12-15 राजनीतिक दलों में बढ़ चुका है। यही है कांग्रेस के पतन की वजह। प्रशांत किशोर ने खंडित मतदाताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केवल 1/3 लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या यह है कि 2/3 वोटर्स का पक्ष इतना खंडित है कि यह 10-12-15 राजनीतिक दलों में बट गया है। यही है कांग्रेस के पतन की वजह। 65% वोट बैंक खंडित है और कांग्रेस का समर्थन खत्म हो गया है। ये छोटे छोटे दलों में बटा हुआ है। पार्टी को बंगाल से आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए IPAC ने गोवा में TMC की ओर से सर्वे शुरू किया है। गोवा में TMC ने चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पूर्व कांग्रेसी लुई जिंगो फेलेरियो को अपने साथ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।